तकदीर, लक, जो बहुत स्टूडेंट्स है उन्होंने कहा कि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है एग्जाम के टाइम, पता नहीं वो नसीब या लक ऐसा मान लेते कि यही शर्ट लकी है मेरे लिए और यही शर्ट मैं हर एग्जाम में पहनकर जाऊँ, या ये पेन मेरे लिए लकी है मुझे इसी पेन से लिखना है, या टाइमिंग मेरे लिए लकी है इतने टाइम पे ही मुझे अपना एग्जाम शुरू करना है। ये चीजें पता है क्या होती है, जब आप अंदर से उतनी मेहनत नहीं करते ना तो आप बाहरी चीजों पर तामझाम ज्यादा करते। ये चीजें किस चीज के लिए होती? अब मैं लक कब कहूंगी जब मुझे पता है मैंने इतनी मेहनत नहीं की, तो भगवान संभाल लेगा। लेकिन जिस दिन मैंने पूरी मेहनत की होगी ना, भगवान देखिए ये चीजें भी आप भगवान पर टालते हैं कि लक है, नसीब है, भगवान ने नसीब में, भगवान ने तो साफ साफ कहा है कर्म करो। भगवान कहते हैं बार बार मुझ पर बात घूम फिर कर क्यों आ जाती है, मैंने जब साफ साफ शब्दों में कह दिया कर्म करो, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नसीब, लक, ये चीजें आपकी पढ़ाई में आड़े नहीं आती। लक यानी क्या होता है, नसीब यानी, अब मान लीजिए आपने बहुत पढ़ाई की है, इतनी अच्छी प्रेपरेशन की कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप अच्छे मार्क्स से पास हो, मान लीजिए उस दिन आप गिर जाते हैं, आपके हाथ में चोट लग जाती है, राइट हैंड में, वो भी आप अब लिख नहीं सकते पेपर। भगवान आपको इन चीजों से बचाते हैं अगर आपने सही कर्म किए हैं, ये है लक। तो इन चीजों से भगवान का आपको बचाना या आपका अपने आप बच जाना इज लक, इज नसीब। लेकिन आपने मेहनत नहीं की और एग्जाम में आप पास नहीं हुए और फिर आप कहेंगे कि मेरे नसीब में नहीं था, तो भगवान भी ऊपर चिल्ला रहे हो, कैसी बातें कर रहे हैं, मेहनत खुद नहीं की इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। तो ये चीजें मेहनत पर नहीं आती, जैसा मैंने कहा अगर आपने खुद ने काम नहीं किया तो आप बाहरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो चाहे लक हो या फिर पेपर्स ढूंढना हो, लीक करवाना हो, निकालना हो, चीटिंग्स करना हो, जो भी करना हो। ये कब होगा? जब आपने अंदर से मेहनत नहीं की है और आप बाहरी तामझाम पर। तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पास होना, फेल होना, सक्सेसफुल होना लक पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है।